दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम नोटिफिकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको टेलीग्राम पर मैसेज सेंड करते हैं, अगर आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं, आपके नोटिफिकेशन बार में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% इस वीडियो के अंदर होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वही हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइंस देखने को मिलेगी, आपको इन पर टैप कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां सेटिंग वाला एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहां पर नोटिफिकेशन एंड साउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको कुछ नोटिफिकेशन और साउंड से रिलेटेड सेटिंग देखने को मिलेगी, आपको सेम उसी तरह की सेटिंग कर लेनी है जैसे मैंने अपने फोन में कर रखी है। आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों, प्राइवेट चैट्स, ग्रुप्स, चैनल, स्टोरेज और रिएक्शन, इनके सामने जो बटन दे रखा है इन सभी को आपको इनेबल रखना है। वाइब्रेट और रिंगटोन को आपको डिफॉल्ट रहने देना है। 100 बैज आइकन, इसको इनेबल कर लेना। काउंट अनरीड मैसेज, इसको भी इनेबल कर लेना। इन ऐप साउंड, इन वाइब्रेट, प्रीव्यू साउंड, इन सभी को आपको इनेबल रखना है। पिंड मैसेज, इसको भी इनेबल कर लेना है। कीप अलाइव सर्विस, इसको इनेबल करना है। बैकग्राउंड कनेक्शन, इसको भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपकी जो फोन की सेटिंग है आपको इसको ओपन करना है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए ऐप्स वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, मैनेज ऐप्स पर टैप कर देना है, जिसके बाद ये सर्च बार आपके सामने आ जाता है। आपको यहां पर सर्च करना होगा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन का, आपको इस पर टैप कर देना है। यहां पर दोस्तों आपको शो नोटिफिकेशन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, अगर दोस्तों ये यहां से डिसेबल हो रखा है तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, चैनल्स वाला ऑप्शन है, इसके सामने शो नोटिफिकेशन वाला बटन है, इसको भी इनेबल रखना है। ग्रुप्स के अंदर भी आपको शो नोटिफिकेशन को इनेबल रखना है, अदर्स के अंदर भी आपको शो नोटिफिकेशन को इनेबल रखना है, प्राइवेट चैट्स के अंदर भी आपको इसको इनेबल रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फाइनली दोस्तों आपको एक और सेटिंग करनी पड़ेगी। इस बार दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम को ओपन करना है, सेम उसी सेटिंग के अंदर जाना है, लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करना है, आपको सेटिंग पर टैप कर देना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नोटिफिकेशन एंड साउंड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, यहां से रीसेट ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना और यहां से इसको कर देना है रीसेट। बस दोस्तों आपको जस्ट इतना कर लेना है। उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर पर आएंगे और यहां आपको सर्च कर देना है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम वाली एप्लीकेशन यहां पर आ जाती है। अगर आपको यहां पर कोई अपडेट देखने को मिलती है तो आप अपने टेलीग्राम को यहां से अपडेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों 101% जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।